Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. Guys, आज हम बात करने वाले हैं एक हांगकांग सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म के बारे में जिसका नाम है द आई टू। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2004 में और ये फिल्म असल में 2002 में आई हॉरर फिल्म द आई की रिमेक है। मगर दोनों फिल्म्स के स्टोरी लाइन में कोई भी कनेक्शन नहीं है, बस मेन थीम ही सेम है। इसी चैनल में आपको द आई की एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएगी, चाहो तो चेक कर सकते हो। फिलहाल बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड एंड एडिटेड बाय पैंग ब्रदर्स। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10 और 86% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। तो चलिए अभी इस फिल्म के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है थाईलैंड में एक शॉपिंग मॉल से। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है जोई। उसे शायद अपना सारा पैसा आज ही खत्म करना था। वो एक के बाद एक चीजें खरीदती ही जा रही थी, कभी अपने लिए ड्रेस, कभी जूता, तो कभी अपने बॉयफ्रेंड के लिए टाई। लेकिन वो कलर सिलेक्ट नहीं कर पा रही थी, तो वो सैम को कॉल करती है और उन दोनों के बातों से हमें पता चलता है कि शायद सैम जोई को अवॉइड कर रहा था और इसीलिए आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जोई ये सब पागलपन कर रही थी। तो बहुत सारा पैसा वेस्ट करने के बाद वो होटल में लौटती है और रिसेप्शन में उसे 8 बजे नॉक करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। इसके बाद वो रूम में चली जाती है, एक न्यू रेड ड्रेस पहनती है, एक सुसाइड नोट लिखती है और बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स एक साथ खा लेती है। इस समय भी वो सैम को ही कॉल किए जा रही थी, मगर शायद सैम अभी भी कुछ ज्यादा ही बिजी था। तो जोई बाकी के सारे पिल्स भी खा लेती है और कुछ ही देर में वो सेंसलेस होने लगती है। हमें उसके रूम में बहुत सारे परछाई दिखती है जिन्हें वो होटल स्टाफ समझ रही थी, मगर असल में होटल स्टाफ कुछ आधे घंटे बाद आते हैं। उसके इस कंडीशन के बारे में उन्हें पता चलता है, उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है एंड फॉर्चुनेटली इतने सारे पिल्स खाने के बाद भी वो बच गई थी, जो किसी मिरेकल से कम नहीं थी। लेकिन इसके बाद से ही उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। फर्स्टली, जब वो हांगकांग में अपने घर में वापस आ रही थी, उसे कैब में एक आदमी दिखता है जिसे ड्राइवर तक देख नहीं पा रहा था। उसके घर में जो फोटो फ्रेम्स थी वो भी एक के बाद एक अपने आप ही टूट रही थी। जब वो लॉबी में सैम के लिए वेट कर रही थी, तब भी उसे अपने पीछे एक आदमी दिखाई देता है जो असल में वहां पर था ही नहीं। अजीब बात है, लेकिन वो ऑलरेडी इतने डिस्टर्ब्ड थी तो उसे लग रहा था ये सब कुछ भी सिर्फ उसका वहम ही है। वो काम पर नहीं जाती थी, अकेले रास्ते पर घूमती रहती थी, शराब के नशे में अपने आप से ही बात करती थी। मतलब फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में सिर्फ उसका पागल बनना ही बाकी था। तो इस सब के चक्कर में उसके साथ असल में जो कुछ भी अनयूजुअल हो रहा था, जो कुछ भी वो देख पा रही थी, उन्हें भी वो पागलपन ही समझ रही थी। एक दिन वो अपने बाथरूम में नहाते वक्त पानी में किसी और का साया देखती है। वो इतना डर जाती है कि हड़बड़ी में उसका पैर फिसलता है और वो जमीन पर गिर जाती है, जिसके वजह से उसका हाथ टूट जाता है। जब वो डॉक्टर के पास जाती है प्लास्टर करवाने, तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे ये बच्चा नहीं चाहिए था। तो वो अपने डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करती है, मगर डॉक्टर से मिलने से पहले उसके साथ और एक भयानक हादसा होता है। शाम के 5 बजे अपॉइंटमेंट था, वो ट्रेन से जाने वाली थी, तो वो स्टेशन पर जा पहुंचती है। वहां पर एक माँ अपने बच्चे को लेकर वेट कर रही थी और उनके बिल्कुल पास ही एक औरत खड़ी थी जो जोई को देख रही थी। जैसे ही ट्रेन चलने लगती है, वो औरत भी बिल्कुल अचानक से ही ट्रेन के सामने जंप कर देती है। जोई भी उन्हें रोकने के लिए भागती है, मगर आसपास के लोगों को लगता है कि शायद वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रही है, तो सभी मिलकर उसे रोक लेते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ जोई ही दिखाई दी थी, वो औरत नहीं। जोई उन्हें बार बार रिक्वेस्ट करती है चेक करने के लिए, मगर उस दिन सच में कोई भी एक्सीडेंट या सुसाइड कुछ भी नहीं हुआ था। पुलिस को लगता है कि प्रेगनेंसी में तो ये सब आम बात है, तो वो लोग भी उसे छोड़ देते हैं। जोई फाइनली डॉक्टर के पास जा पहुंचती है, लेकिन डॉक्टर उसे बिल्कुल क्लियरली अबॉर्शन करने से मना कर देते हैं क्योंकि जोई ने इससे पहले भी एक बार अबॉर्शन कर चुकी है, तो ऐसे ही अगर बार बार वो ऑपरेशन करवाएगी तो बाद में उसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो जोई भी इस बच्चे को रखने के लिए डिसाइड करती है, मगर उसे सैम को तो इन्फॉर्म करना होगा, तो उसे बार बार कॉल करती है, लेकिन जब वो फाइनली उससे मिलने आता है, जोई उससे कुछ भी नहीं कह पाती, उल्टा वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। वो अकेले ही इस बच्चे को संभाल सकती है, लेकिन एक दिन
कुछ ऐसा होता है जिससे उसे पता चलता है कि कोई और भी है जो इस बच्चे को और उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। उस दिन जब वो घर लौट रही थी, उस पर एक आदमी हमला कर देता है। शायद कोई साइको था, रेप करना चाहता था। उसने जोई को बेहोश भी कर दिया था, मगर वो कुछ कर पाए इससे पहले ही कोई उस पर हमला कर देता है। जब जोई का सेंस लौटता है, वो हॉस्पिटल में थी। नहीं, उससे कुछ नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ पर प्रेजेंट पुलिस ऑफिसर का कहना था कि उसने उस रेपिस्ट का चेहरा ही काट लिया था। उसे 40 स्टिचेस लगे थे। हाँ, इसके लिए उसे कोई ब्लेम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो सिर्फ अपने बच्चे को ही प्रोटेक्ट कर रही थी। मगर यहाँ पर सवाल ये है, अगर जोई ने इतना कुछ किया तो उसे कुछ याद कैसे नहीं? देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं। हम देखते हैं जोई एक ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन की है, जहां प्रेग्नेंट लेडीज को आने वाले दिनों के लिए रेडी किया जाता है। वहां पर जोई के साथ मुलाकात होती है एक लेडी की, मिसेस चो की, जो एक दिन लॉकर रूम में बैठकर रो रही थी। जोई देखती है वहां पर एक आदमी भी था, मे बी उसका हस्बैंड, मगर वो बस चुपचाप उसे देख रहा था। तो जोई उसे कंसोल करने जाती है। मिसेस चो से कहती है उसका हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया है, बात भी नहीं कर रहा, इसीलिए वो रो रही है। जोई को लगता है हस्बैंड वाइफ में ऐसी नोकझोंक तो होती ही रहती है, तो वो वहां पर बैठे आदमी को मिसेस चो को घर ले जाने के लिए कहती है। मगर मिसेस चो समझ नहीं पाते वो किससे बात कर रही है, क्योंकि उन्हें तो वहां पर कोई नहीं दिख रहा। ये बात कहने पर जोई भी डर जाती है और टेंशन में वो ब्लीड करने लगती है। उसे जल्दी से हॉस्पिटल में लाया जाता है, मगर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाने की वजह से वो लिफ्ट में ही फंस जाती है। उसके साथ इसी लिफ्ट में और एक पेशेंट भी थी। उसे ओटी में ले जाया जा रहा था, मगर लेट हो जाने की वजह से यहाँ पर ही उसकी डिलीवरी शुरू हो जाती है। उस लेडी को देखकर वैसे ही जोई की हालत खराब हो चुकी थी। टेंशन में ऊपर से वो एक भयानक दृश्य देखती है जो शायद सिर्फ वो ही देख पा रही थी। वो देखती है जैसे उस लेडी की डिलीवरी शुरू होती है, एक आत्मा उस बच्चे के अंदर जाने की कोशिश करने लगती है और इस प्रोसेस में वो बच्चा मर जाता है और वो आत्मा उस बच्चे को छोड़कर जोई की तरफ आगे बढ़ने लगती है। जोई बहुत ज्यादा डर जाती है कि शायद अभी उसका बच्चा भी मरने वाला है, मगर वो आत्मा उसके अंदर नहीं जा पाती, कोई उसे रोक लेता है। ये कौन है हमें पता नहीं चलता, लेकिन जोई को बहुत अच्छी तरह से ये पता चल रहा था कि कोई उसके बच्चे पर हक जमाने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिन हॉस्पिटल में बिताने के बाद वो फिजिकली ठीक तो हो जाती है, मगर मेंटली उसे एक बूस्ट की जरूरत थी, तो वो एक हीलर के पास जाती है। वो जो कुछ भी देख रही थी सब कुछ शेयर करती है और तब उसे पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में इंसान और आत्मा ये दोनों ही कोएग्जिस्ट करते हैं। हर भटकती हुई आत्मा एक नया जीवन चाहती है और इसमें कोई बुराई नहीं है। जो इंसान मौत को बहुत करीब से देखा है और एक नए जीवन को भी जन्म देने वाला है, कभी कभी वो इन आत्माओं को देख सकता है। जोई भी उनमें से ही एक है। उसने इससे पहले 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट की थी और 2 बार प्रेग्नेंट भी हुई थी, तो स्पिरिचुअली वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव बन चुकी थी। इसीलिए उसके लिए अभी वो अदृश्य दुनिया भी विजिबल बन चुकी थी और इसे ना रोका जा सकता है ना बंद किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक्सेप्ट ही किया जा सकता है और उसी में भलाई है। बात तो बिल्कुल सही है, मगर धीरे धीरे सिचुएशन कुछ ऐसा होने लगा था कि जोई के लिए आत्माओं और इंसानों के बीच फर्क करना ही मुश्किल हो रहा था। वो जहाँ भी जाती थी उसे कोई ना कोई आत्मा दिखाई देती थी, एज इफ ये लोग हर वक्त हमारे साथ हमारे दुनिया में ही रहते हैं, बस हम ही उन्हें देख नहीं पाते। जैसे जैसे डिलीवरी का डेट करीब आ रहा था, जोई का पागलपन भी जैसे बढ़ने लगा था। एक दिन जब वो मिसेस चो के साथ खाना खाने बाहर गई थी, उसे टेबल के नीचे फिर से वही आदमी दिखाई देता है जिसे उसने लॉकर रूम में उसने देखा था। वो पैनिक करने लगती है और पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। मिसेस चो को लगता है कि जरूर स्ट्रेस के कारण वो ऐसा कर रही है, तो उसे चेकअप के लिए भेज देती है। वैसे तो वो बिल्कुल हेल्दी एंड फिट है, उसका बच्चा भी बिल्कुल ठीक ठाक ही है, मगर स्कैन करने पर जोई को उसके अपने बच्चे के चेहरे पर क्लियरली उस स्टेशन वाले लेडी का चेहरा दिखाई देता है। अब ये बात वो किसे बताए? हॉस्पिटल से निकल के वो फिर से उसी हीलर से मिलने जाती है, जो उसे फिर से समझाता है कि जरूर ये आत्मा उसके बच्चे के अंदर से नया जीवन पाना चाहती है। ये तो इस ब्रह्मांड का नियम है, हर बच्चे के अंदर से किसी न किसी आत्मा का पुनर्जन्म होता है। उस लिफ्ट में भी शायद यही हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा मर गया और उस आत्मा को जीवन नहीं मिला। उस आत्मा ने उस बच्चे को नहीं मारा,
लेकिन जो ये समझ नहीं पा रही थी, ये औरत कौन है जिसे वो जानती तक नहीं है, वो क्यों उसके पीछे पड़ी हुई है, कहीं वो उससे किसी चीज का बदला तो नहीं लेना चाहती। ये हीलर उसे अश्योर करता है कि जब एक आत्मा जन्म लेती है, वो अपने पिछले जन्म की सारी मेमोरीज को भूल जाती है, तो बदला लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर इतने सारे अश्योरेंस के बाद भी जोई का दिल नहीं मान रहा था। उसे जानना था ये लेडी कौन है, तो वो अपने एक दोस्त से कहकर उन सारे सुसाइड्स के बारे में पता करती है जो स्टेशन पर हुई थी, और उसे उनमें से ही अपने सवाल का जवाब भी मिल जाता है। उसे उस लेडी के बारे में पता चल जाता है जो उसे हॉन्ट कर रही थी। वो उसी दिन उस एड्रेस पर जाती है। उसे लगा था इस लेडी मतलब मिस जाना के फैमिली से उसे जरूर कुछ पता चलेगा, मगर उसे जो पता चलता है वो उसने कभी भी इमेजिन नहीं की थी। असल में ये मिस जाना उसके बॉयफ्रेंड सैम की पत्नी थी, और उसके ही कारण उसने सुसाइड की थी, और इसीलिए ही इसी गिल्टी फीलिंग्स के वजह से ही आजकल सैम उसे इग्नोर कर रहा था। उसने तो अपनी गलती कबूल कर लिया था, मगर अनजाने में जोई से जो गलती हुई है वो उसे कैसे सुधारे। उसे अभी क्लियरली पता चल रहा था कि जाना की आत्मा ही पहले से उसके साथ थी, उसी को उसने बाथरूम में देखा था। अभी तो जोई के लिए उसका मोटिव भी बिल्कुल क्लियर हो चुका था, तो वो और भी ज्यादा डर जाती है। वो इस बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती थी, वो अपने ही सौतन को जन्म नहीं देगी, लेकिन शायद ये डिसीजन अभी उसके हाथ में नहीं थी। वो हिस्टेरिक होने लगती है, तो सैम उसे हॉस्पिटलाइज कर देता है, और उसके बिल्कुल पास के ही बेड पे थी मिसेस चो। रात के 4 बजे के आसपास अचानक से ही जोई की नींद टूट जाती है, और वो देखती है वही आत्मा, उसी आदमी की आत्मा फिर से मिसेस चो के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। जोई बहुत चिल्लाती है, मगर वो कुछ नहीं कर पाती। यह आत्मा मिसेस चो के अंदर घुस जाती है, और मिसेस चो एक बेबी बॉय को जन्म देती है जो बिल्कुल उसी आदमी की तरह दिख रहा था। जोई बिल्कुल श्योर हो जाती है उसके साथ भी यही होने वाला है, तो वो डिसाइड करती है कि वो सुसाइड कर लेगी। वो उसी वक्त टेरेस पर जा पहुंचती है। नीचे से जाना की आत्मा उसे मना करती है, मगर वो नहीं रुकती। वो जंप करती है, लेकिन इतने ऊंचाई से गिरने के बावजूद वो मरी नहीं, तो वो फिर से अटेम्प्ट लेती है, मगर इस बार भी वो बच जाती है। और इस बार उसके अंदर और हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो फिर से अटेम्प्ट ले। उसके पूरे शरीर से खून बहने लगा था, उसके पेट में दर्द होने लगा था, बच्चा कभी भी बाहर रह सकता है। मगर जोई पूरी कोशिश कर रही थी कि वो इस डिलीवरी को रोक पाए, इससे वो मर जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जाना को अपने अंदर अलाउ नहीं करेगी। तभी जाना उसके पास आती है और एक बहुत ही क्रीपी सा चेहरा लेकर कहती है कि वो उसे मरने नहीं देगी। वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, जब तक वो बच्चा जन्म नहीं ले लेता, जोई मर नहीं सकती। लेकिन इतना डराने के बाद भी जोई राजी ही नहीं हो रही थी, तो फाइनली जाना उसे रिक्वेस्ट करती है उसे एक्सेप्ट कर लेने के लिए, क्योंकि वो कोई रिवेंज लेना नहीं चाहती थी। उसे बस इस जन्म के मेमोरीज को भूलना था। वो भूलना चाहती थी कि उसने जिसे इतना प्यार किया उसने ही उसे धोखा दिया। इस बात को सुनकर जोई भी उसके दर्द को समझ पाती है और उसे एक्सेप्ट कर लेती है। हम जाना के आत्मा को उसके अंदर जाते हुए देख पाते हैं, और साथ ही साथ वो लेबर में चली जाती है। कुछ दिन बाद जब वो थोड़ा सा रिकवर करती है, मिसेस चो अपने बच्चे के साथ उससे मिलने आती है, और जोई को पता चलता है उनका बेटा असल में उनके पिता की तरह दिखता है, जिसे जोई बार बार उनका हस्बैंड समझ रही थी या फिर कोई वेंजफुल स्पिरिट, वो असल में उनका पिता है जो अपने बेटी के पास वापस आए हैं। उस दिन पहली बार जोई अपने बेटी को गोद में लेती है और उस मदरली फीलिंग्स को महसूस कर पाती है। वो ये रियलाइज करती है वो हीलर सही कह रहे थे, इन भटकती हुई आत्माओं को बस एक नया जीवन चाहिए जिससे वो पिछले जन्म के दर्द को भुला पाए। कोई बदला लेने के लिए नहीं, किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, और मैक्सिमम टाइम ये आत्माएं अपने ही करीबी किसी को चूज करती हैं, जैसे मिसेस चो के पिता ने अपने बेटी को चूज किया था और जाना ने जोई को, क्योंकि ये बच्चा सैम का भी था। बाय द वे इट्स अ बेबी गर्ल जो सच में जाना की तरह ही दिख रही थी, बट इट्स ओके, जोई ने इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर ली है और अभी वो अपने बेटी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए बिल्कुल रेडी है। फिल्म एंड हो जाती है और एंडिंग सीन में हमें हॉस्पिटल में हर एक वुड बी पेरेंट्स के साथ एक आत्मा दिखाई देती है जो अपने पुनर्जन्म के लिए वेट कर रही थी। वैसे अगर देखा जाए तो जाना असल में जोई की मदद ही कर रही थी, बार बार
उसने उसे मरने नहीं दिया, उस रेपिस से भी बचाया और उस बच्चे को भी बचाया, तो वो दुश्मन कैसे हो सकती है? अगर वो चाहती तो वो उस बच्चे को बहुत पहले ही मार सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो सच में कोई भी बदला लेना नहीं चाहती थी। वो बस एक नया जीवन चाहती थी जिससे वो पिछले जन्म की यादों को, दर्द को भुला पाए। उस हीलर को भी ये सब कुछ पता चल गया था क्योंकि वो भी जाना की आत्मा को देख पा रहे थे, मगर जोई ही समझने में गलती कर रही थी। अगर जोई इतनी सेंसिटिव ना बनती तो ना वो जाना के आत्मा को देख पाती, ना वो उसे दुश्मन समझती, तो ना वो उससे डरती और अनजाने में ही वो उसे एक्सेप्ट भी कर लेती। मगर उसके इस नए दृष्टि के वजह से ही उसे इतना कुछ सहना पड़ा जो स्पिरिचुअल लोगों के लिए एक अवेकनिंग माना जाता है, एक वरदान माना जाता है, उसके लिए वो एक शाप था। और यहाँ पर ही ये फिल्म अपने प्रीक्वल से मैच करती है। सो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। टाटा।